तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये एक सोनी का जो है सोनी आइवा का म्यूज़िक सिस्टम प्लेयर है, और ये काफ़ी कॉस्टली वाला म्यूज़िक प्लेयर सिस्टम है। ये कैसेट वाला भी है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, और ये डीवीडी प्लेयर वाला भी, यानी इसमें डीवीडी वगैरह सारे फंक्शन हैं। बट अब इसमें प्रॉब्लम, जो दिक्कत है वो ये है कि ये ओल्ड म्यूज़िक सिस्टम है, यानी कि काफ़ी टाइम पहले का म्यूज़िक सिस्टम है, जब यूएसबी नहीं आता था और ना ही म्यूज़िक सिस्टमों के अंदर ब्लूटूथ सिस्टम नहीं आता था। तो अब ये काफ़ी कॉस्टली है, तकरीबन ये 35-40 हज़ार रुपये के आसपास का म्यूज़िक सिस्टम है। बट हमारे आपके पास भी होगा बहुत से, लेकिन आप सोचते होंगे कि अब इसमें यूएसबी सिस्टम नहीं है तो ये बेकार है, ख़राब है, इसे फेंक दे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके पास में ऐसा म्यूज़िक सिस्टम है तो आप उसको जो है, एक मार्केट से आपको पता होगा एक कार्ड आता है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से, दुकान वाले से जाके, और आप जो है इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं कि उनको जो है अपने म्यूज़िक सिस्टम के अंदर, जो ओल्ड म्यूज़िक सिस्टम है उसके अंदर उनको जो है एक म्यूज़िक सिस्टम वाला, जो म्यूज़िक प्लेयर वाला यूएसबी वाला कार्ड आता है और ब्लूटूथ वाला, वो उसमें लगवाना है। तो वो आपको किसी न किसी हेल्प से वो लगा के दे देंगे, और आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल न्यू जनरेशन का हो जाएगा, यानी कि जो आप जिसमें ब्लूटूथ भी आ रहा है, यूएसबी सारा टोटल, ऐसा बिल्कुल आपका सिस्टम बन जाएगा, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो मैं यहीं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये म्यूज़िक सिस्टम प्लेयर कार्ड है एक, इसमें यूएसबी भी है और ब्लूटूथ फंक्शन भी है, और कार्ड के थ्रू इसमें सारे फंक्शन जो अब आ रहे हैं वो सारे फंक्शन इसके अंदर है। तो मैं अभी इसी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए, आप जो है काफ़ी इससे आपको हेल्प होगी, आपका जो सिस्टम है इतना महंगा कॉस्टली, इसको आप ओल्ड सिस्टम को आप नहीं बेचना चाहते हो, तो आप उसको कबाड़े में इस तरीके से बेकार नहीं करना चाहते हो, तो आप जो उसको यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो मैं वीडियो में बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ये है सिस्टम, जो ये कार्ड है इसको फिट करना है सोनी के आईबे म्यूजिक सिस्टम में, प्लेयर में। दोस्तों, ये दो स्पीकर है इसके, बड़े वाले बुफर जो है, और जो ऊपर रखे हैं वो इसके स्पीकर्स हैं, ये वाले, ये और ये। तो अब हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे कार्ड को? तो देखो, आपको सबसे पहले तो अगर आप खुद थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप खुद भी इससे, खुद से भी आप अपने आप भी ठीक कर सकते हैं, मार्केट से इस कार्ड को ला सकते हैं। इस कार्ड को लाने के बाद में आप खुद भी इसको फिट कर सकते हैं, कि कोई ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले शॉप, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क करते हैं, उनसे भी आप करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको, आप देख पा रहे होंगे एमडी वीडियो, तो एमडी वीडियो का फंक्शन यहाँ पे है। ये तो स्पीकर के हैं सारे के सारे, तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, ये एंटीना का है, ये सॉरी सब वूफर होता है, ये उसका है, तो इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इन है, देखो एमडी वीडियो इन, आपके म्यूज़िक प्लेयर सिस्टम में भी ये होगा, या तो ऑडियो इन वाला होगा या एमडी वीडियो इन वाला होगा, ये इन दोनों में से आपके म्यूज़िक जो सिस्टम है आपका, चाहे म्यूज़िक सोनी का हो या किसी और कंपनी का हो, तो आपके में भी ये सिस्टम जरूर, फंक्शन जरूर होगा। तो आपको देखो ये इन लिखा हुआ है, तो जो इन वाला है, इन वाले में आपको जो है उस जो कार्ड है, यूएसबी प्लेयर जो कार्ड है, जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, उस कार्ड की जो आउटपुट होगी म्यूज़िक की, वो इसमें इन करनी है, लेफ्ट और राइट। ये नीचे वाला देखो राइट है, ऊपर वाला लेफ्ट है। और यहाँ दोस्तों मैंने क्या किया है कि ये दोनों जो है ये आउट के लिए होते हैं, यानी कि जब कभी आप, ये आपका प्लेयर वर्क कर रहा है और आप जो है किसी और टीवी में या फिर कोई अदर सिस्टम में आप इसकी साउंड को देना चाहते हैं, ये उसके लिए, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, तो मैंने क्या कर रखा है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए अंदर कार्ड, अंदर जो कार्ड है इसका, उस कार्ड में से 5 वोल्ट की सप्लाई बना रखी है इस पॉइंट के लिए, जो कि मैं उस MP3 प्लेयर जो कार्ड है उसको दूंगा मैं। तो चलिए, मैं आपको जो है सारे फंक्शन बताऊंगा। अगर आपका जो ये सिस्टम है, ये वाला जो वीडियो मैंने बताया आपको एमडी वीडियो इन वाला, ये आपके म्यूजिक सिस्टम में ना हो, तो मैं अंदर से भी आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको अंदर से भी कनेक्ट करना है। तो जल्दी जल्दी तो चलिए जल्दी से इसके स्क्रू ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसके स्क्रू ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने बैक साइड वाले जो स्क्रू है इसके ओपन कर लिए हैं। अब जो है मैं इसके साइड वाले जो स्क्रू होते हैं, ये 3 स्क्रू और है, इनमें इनको भी ओपन करने जा रहा हूँ।
दोस्तों मैंने ये साइड वाले भी ओपन कर लिए, अब एक साइड पे हो रहे हैं, इनको भी चलो ओपन कर लेते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने ये सारे के सारे जो इसके स्क्रू है ये ओपन कर लिए हैं। अब देखते हैं इसे ओपन करके, तो ये मैंने इसका कवर जो है, कवर मैंने इसका बाहर निकाल लिया है। तो चलिए कवर को रख देते हैं साइड में। अब देखते हैं, वो काफ़ी जाला वाला इसके अंदर जम रहा है, तो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये इसका ट्रांसफार्मर है और अंदर जो है इसकी सारा का सारा सिस्टम, जो प्लेट्स है वो सारी लगी हुई है। ये इसका डीवीडी जो प्लेयर सिस्टम होता है वो है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इसका पूरा मदरबोर्ड है एक तरीके से, सोनी आईवा जो म्यूज़िक प्लेयर सिस्टम है, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर सिस्टम है। इसकी साउंड बहुत धमाकेदार है, बहुत गजब की साउंड है इसकी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसे कहीं कबाड़े में ऐसे ही भेज दो, सिर्फ इसीलिए कि इसके अंदर जो है ब्लूटूथ और यूएसबी वाला फंक्शन नहीं है। तो आप कर सकते हो खुद से भी, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है कनेक्टिविटी करनी है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे एक जो है पूरा सिस्टम दे रखा है, जिसके अंदर देखो आपको मैं दिखा दूँ नज़दीक से। यहाँ पे देखिए आप 5 वोल्ट वीडियो ग्राउंड, 12 वोल्ट की सप्लाई भी है। तो यहीं से मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई जो है, यहीं से मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई जो पीछे पिन है, इस पिन में मैंने ला रखी है दोस्तों, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे कार्ड के लिए सप्लाई चाहिए थी 5 वोल्ट की। तो मैं नहीं चाहता था अलग से कोई ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ यूज़ करूं, तो आपको भी यही करना है अगर आप थोड़ा सा जानते हो। और सेकंड मैं आपको बता दूं, तो देखिए फ्रेंडो आपको जो है यहाँ से कनेक्टिविटी करनी है, जो आपका MP3 USB जो प्लेयर है, जो कार्ड है, उस कार्ड को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वीडियो MD इन लेफ्ट और राइट, इसी तरीके से यहाँ पे इन दे रखा है। देखो नीचे भी इन है और एक ये यहाँ पे आउट भी है। तो आपको आउट वाले से नहीं करना है, आपको जो इन वाले हैं लेफ्ट और राइट, वहीं पे आपको एक एक वायर निकाल लेने हैं और एक वायर यहाँ से ग्राउंड से ले लेना है। इसी मदरबोर्ड जो है, ये है इसकी, जो इसका सर्किट है इसमें से, यानी कि लेफ्ट और राइट MD वीडियो के जो है यहाँ से, या ऑडियो के हो, MD वीडियो के भी हो सकते हैं, MD ऑडियो के भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपको कनेक्ट करके 3 वायर, यानी कि ग्राउंड और लेफ्ट और राइट इन वाला, ये आपको बाहर निकाल लेने हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करते हैं फटाक से। तो दोस्तों पहले से ही मेरे पास में एक सर्किट ये रखा हुआ था पहले से ही, एक और एक्स्ट्रा, तो मैंने इसको पहला जो है फिट कर लिया अच्छे से। ये बॉक्स है, क्योंकि मुझे, मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको जो है बाहर से फिट करूं, और या फिर कहीं इसमें इसी के जो इसका सर्किट है, यानी कि इसकी बॉडी है, उसकी सेफ को ख़राब करूं तो इसका लुक जो है ख़राब लगे। तो आप चाहो तो ऐसा नहीं कि इसी के अंदर फिट करो, आप जो है अलग से इस तरीके का छोटा सा मार्केट से आप बॉक्स ले सकते हो, यह आपको मिल जाएगा। तो मैंने इस तरीके से इसमें ये फ़िट कर दिया, ये USB जो म्यूज़िक प्लेयर जो ये बोर्ड है, तो मैंने इस तरीके से फ़िट कर दिया दोस्तों। अब इसमें सिंपल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जी, ये जैक होता है, इसमें 4 पिन होती है, तो हमें जो यूज़ में लेनी होती है वो 3 ही होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, नहीं नहीं, हमें जो आप देख पा रहे हो ये 3 पिन हैं, और हमें चौथी भी जो है हमें यूज़ करनी होती है, चौथी ये रही है, ये 4 पिन होगी टोटल। तो ये 4 पिन किस किस की, मैं आपको बताता हूँ। जो ये वाली पिन है सबसे लास्ट वाली, यानी कि ये मैंने कनेक्ट नहीं करी है, बट ये नीचे है, ये वाली, ये नीचे से मैंने सोल्डरिंग करके, ये वाइट कलर की जो दिख रही है आपको, ये मैंने एंटीने के लिए बना रखी है, जिसको मैंने बीच वाले में फिट कराया है, इसमें इन दोनों में मैंने कॉमन कर दिया है, मैंने इनको एंटीने के लिए दिया है वाइट वाली। और जो आपकी ये वाली है लाल और पीली, ये होती है आपकी
म्यूज़िक की, यानी कि जो आपको जो म्यूज़िक की आउटपुट है, यानी कि जो इस बोर्ड की यानी इस कार्ड की जो आउटपुट है वो आपको देनी है, आपका जो ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आपका जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आपको देनी है, जो मैंने एमडी वीडियो इन बताई है, ऑडियो इन में। तो मैंने एक ये यहाँ पे लगा दिया है और एक यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है, तो ये दो पिन हो गई है, 1 और 2, यानी कि एक लेफ्ट एक राइट। और इन दोनों की जो है कॉमन ग्राउंड भी देनी पड़ेगी आपको, एक इसके लिए ग्राउंड एक इसकी ग्राउंड। तो यहाँ पे जो है ग्राउंड हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये इधर वाला जो हमने ये ग्राउंड है जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ से हमने क्या हुआ है कि 5 वोल्ट की इसको सप्लाई देनी होती है कार्ड को, ये मैक्सिमम और मिनिमम जो है इसको 5 वोल्ट चाहिए कार्ड को, मैक्सिमम 5 वोल्ट, इससे ज़्यादा दोगे तो फूक जाएगा कार्ड, वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ से जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए पिनों को किस तरीके से सेट करना है सप्लाई के लिए, तो मैंने इस तरीके से एक नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ भी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखा है, यहाँ भी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखा है कि इसमें किस तरीके से जो है कौन सा वाला, यहाँ पे ये वाला मैंने माइनस रखा है, अंदर जो पिन इसमें अंदर जो जाएगी जो इसका पिन होती है उसको मैंने नेगेटिव रखा है, वो पॉजिटिव रखा सॉरी। तो इस तरह की जो लीड होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो लीड होती है यही लीड का हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम इससे आप कनेक्शन कर लेते हैं, मैंने ये फ्यूज बिल्कुल ओके करके, और फिर हम इसे बजा के भी देखेंगे। तो मैंने ये लीड भी खुद ही ने बनाई हुई है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली, यानी कि जो इसकी पॉजिटिव है मैंने वो बीच में रखी है, और नेगेटिव ये वाली जो आउटर वाली होती है इसको मैंने नेगेटिव रखा है। तो ये मैंने बनाया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये आप किसी में भी या इसमें लगा दो, जो इसमें लगा दो, ये हो गया आपका 5 वोल्ट सप्लाई इन। अब ये आपके जो यहाँ से आउट निकलेगी लेफ्ट और राइट ऑडियो के लिए, ये आप यहाँ लगा दीजिए, ये एंटीना के लिए है, एफएम का जो इसमें एंटीना है। और ये जो मैं है अब इसको वायर को इस म्यूजिक प्लेयर सिस्टम में लगाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको यहाँ पे जो है किस तरीके से मैंने सेटअप करा है। तो आप देख पा रहे हो जो रेड और ब्लैक वाली है, इसको हम 5 वोल्ट यहाँ मैंने बना रखा है, मैंने इसलिए मार्किंग भी कर रखी है, आप भी कर सकते हो अंदर से किस तरीके से आप पूछे। और ये आप ऊपर नीचे कैसे भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेफ्ट और राइट। तो एक मैं ऊपर लगा दूंगा, एक मैं नीचे लगा दूंगा, बस इतने कनेक्शन आपको करने हैं। अब हम जो है अपने स्पीकर को वायर को कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में इस म्यूजिक प्लेयर सिस्टम को बजा के देखते हैं कि ये वर्क करता है नहीं करता है। ऐसे हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे फ़ोन के द्वारा भी। तो दोस्तों मैंने इसमें स्पीकर के वायर लगा दिए हैं, ये दो जो वायर है, ये वायर देख पा रहे हो आप, ये जो फ्रंट स्पीकर है बड़े वाले वूफर उनके वायर है, और ये जो छोटे वाले स्पीकर है जो ट्यूटर वाले, ये उनके वायर है। ये दो स्पीकर है, एक ये स्पीकर है और एक ये स्पीकर है, दोनों के मैंने कनेक्ट कर दिए, और ये जो छोटे वाले स्पीकर है इनके मैंने कनेक्ट कर लिए। चलिए अब इसको सेटअप को करते हैं ऑन। तो दोस्तों हमने सारा के सारे जो वायर है वो कंप्लीट कर लिए, पीछे लगा लिए हमने जो स्पीकर के जो सॉकेट है वहाँ पे हमने वायर लगा लीजिए। चलिए अब इसको करते हैं ऑन सप्लाई को, और ये सप्लाई ऑन हो गई है, और ये ब्लूटूथ का जो है ये हमने बनाया जो कनेक्ट कराया हुआ है मॉड्यूल पूरा। तो फ्रेंड अब मैं जैसा आपको बताया था कि पीछे जो है एमडी का जो है जहाँ से आपको इन करनी है इस कार्ड की जो ऑडियो है, तो आप ये बटन प्रेस करेंगे, तो मैंने ये बटन प्रेस कर दिया, देख आप देख पा रहे होंगे एमडी यानी कि म्यूज़िक म्यूज़िक डिमांड। तो अब हम जो है इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और देखिए कि ये वर्क करता है नहीं करता, देखते हैं। चलो तो हमने इसे म्यूज़िक से कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ के द्वारा, और अब इसे हम म्यूज़िक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क कर पा रहा नहीं कर पा रहा है।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? वाकई में आपको जो है मज़ा आ जाएगा अगर आप जो है इस तरीके से आप अपने पुराने ओल्ड सिस्टम जो म्यूज़िक सिस्टम है आपका, आप उसमें ब्लूटूथ ऐड कर लोगे और आप जो है उसमें यूएसबी सिस्टम वाला फंक्शन भी आ जाएगा, अपने फ़ोन से आप कनेक्ट करके आपके म्यूज़िक प्लेयर सिस्टम को बजा सकते हो। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, अगर प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इतना तो बनता है लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पर दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।